हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारे लोग हैं जिनको खांसी, जुकाम, बुखार हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड करी हैं एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स अटेंड करी है और बहुत ज़्यादा वेट गेन करके आए हैं। जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं, हल्का सा खांसी, जुकाम, बुखार या फिर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बीमार पड़ने की वजह से जो वेट है वो गेन तो नहीं होता वेट लॉस जर्नी में, बट रुक जाता है। और जब वो रुक जाता है, दोबारा से डाइट स्टार्ट करने के लिए मन मनाना पड़ता है कि हाँ, अभी हमने चालू करना है, हमें दोबारा स्टार्ट होना है। फिर कहते हैं दो दिन बाद, 3 दिन बाद। बंदा ना उस रूटीन में आने के लिए 4 बार सोचता है, बट जो लोग फोकस होते हैं वो कर भी जाते हैं, बट जो लोग फोकस होते हैं आप जैसे नालायक बच्चे, तो वो लोग नहीं कर पाते। सो पॉइंट इज कि आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक खिचड़ी का डिटॉक्स प्लान, जो कि 1 वीक का होगा, जिसकी हेल्प से आप लोगों ने अगर अपनी डाइट की, चलती हुई डाइट में कोई भी गड़बड़ी करी है, फॉर एग्जाम्पल आपको अनअवॉइडेबल सिचुएशन में जाना पड़ा है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन में खाना पड़ा है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा यू नो जंक ईटिंग कर लिया स्ट्रेस में, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार एक पुश चाहिए चीज़ों का, तो ये प्लान आप लोगों के लिए। सो पॉइंट इज कि ये डाइट कैसा है, क्या है, ये एक हाई प्रोटीन डाइट है जिसके अंदर थोड़े से कार्ब्स कम है, बट पॉइंट इज कि ये आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट देगा एंड विद इन अ वीक यू फील लाइक कि हाँ लेट्स स्टार्ट, अब हम करते हैं, अब चालू करते हैं। इस डाइट की हेल्प से सबसे पहली चीज़ तो आपका टमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपका टमी जो है वो फ्लैट दिखने लग जाएगा 5 से 6 दिन के अंदर। आपका 2 से 2.5 किलो आराम से लूज़ हो जाएगा विद इन अ वीक। एंड अगर आप अपनी नींद को बैलेंस करते हैं, अपना वेट मैनेजमेंट सही रखते हैं एंड अपना स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ को ठीक रखते हैं, डेफिनेटली आपको इस डाइट से रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं, खांसी, जुकाम, बुखार हुआ है, या फिर आपको किसी भी वजह से स्टेरॉइड्स पे जाना पड़ा है या पेन किलर्स लेनी पड़ी है एंड आप सोचते हो कि नहीं यार थोड़ा सा फ्लश ऑफ कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ठीक कर लेते हैं, देन फॉलो दिस डाइट। ये डाइट हेल्प करेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके टमी पे, आपके टमी में जो स्वेलन हुआ पड़ा होगा या फिर आपको जो बेली है जो बहुत हैवी लग रहा होगा, ये उस पर वर्क करेगा। कौन कौन ये डाइट कर सकता है? PCOD वाले यस, थायराइड वाले यस, एंड शुगर वाले लोग ये डाइट नहीं करेंगे, उसके अलावा हर कोई ये डाइट कर सकता है। सो ये डाइट करनी कैसे है, क्या है, इसके मॉर्निंग ड्रिंक क्या है, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप डाइट करेंगे आप अपना स्लीपिंग पैटर्न मैनेज करेंगे, अपना मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ रखेंगे, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल हेल्दी रखें। मैं मानती हूँ पंगे आते हैं, पंगे जाते हैं, पंगा हुआ आया उसको बाय बाय करना है सेम डे, उसको लेके 20 दिन तक आगे लेकर नहीं चलना, सेम डे सेम सिचुएशन में जस्ट बाय। नेक्स्ट, वेट अपडेट, कोई भी बंदा पकड़ो, कुछ भी चीज़ें पकड़ो जिसको आप वेट अपडेट भेज पाओ डेली का, सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स, ये मैं 7 साल से बोल रही हूँ, इसको एक रूटीन बना लो। जब आपका वेट चेक होता है ना डेली बेसिस पे, आपके दिमाग में रहता है कि हाँ मेरा बढ़ रहा है, मेरा गिर रहा है, मुझे ऐसे चलना है, मुझे वैसे चलना है, एक कहते हैं ना अलर्ट आ जाता है, रेड लाइट होती है रुकना कहाँ है, ग्रीन लाइट होती है चलना कहाँ है। सो वेट अपडेट एवरी डे। अब हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारा मॉर्निंग जूस। यस, सो हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में हम बनाएंगे ग्रीन जूस। ग्रीन जूस के लिए यहाँ पे मेरे पास है 2 खीरे, 250 ग्राम जितना घिया और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे है अदरक। सो हम बनाएंगे सबसे पहले हमारा ग्रीन जूस और ये रहा मेरे पास जूसर एंड स्टार्ट करते हैं। हमारा जूस वेलकम बैक जी। बात आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के अंदर हम लेंगे कटलेट्स, टिक्कीज, बहुत सारी टिक्कीज की रेसिपी ये रही मेरे चैनल पे, बट आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए ओट्स एंड वेजिटेबल टिक्की, हाई प्रोटीन। उसमें मैंने होममेड पनीर भी डाला है, आप टोफू यूज़ कर सकते हो, बाहर का पनीर यूज़ कर सकते हो, मेक श्योर इट शुड बी ऑर्गेनिक। और वो टिक्कीज कैसे बननी है बहुत ही सिंपल रेसिपीज है, चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट में हम बनाने जा रहे हैं वेजीज एंड ओट्स का कटलेट, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। यहाँ पे मेरे पास है पनीर, ये टोफू पनीर, होममेड पनीर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, 50 to 60 grams ऑफ ये पनीर है, वो तो बहुत अच्छे से हम मैश कर देंगे यहाँ पर। 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है एंड हाई इन प्रोटीन है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। ये रहे मेरे पास 1 कटोरी जितने ओट्स, इसको मैंने ग्राइंड नहीं करा ओट्स को, जस्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको, टाइम नहीं होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट ये रही मेरे पास कैरेट, डाल दी 1 कैरेट का ना सारा पानी नहीं छोड़ लेना, जितना इसका रस होता है वो नहीं छोड़ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्ची, वो भी डाल दी मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है सेसमे, वाइट सेसमे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दी है। नेक्स्ट अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। ओके, इसके अंदर अब हम डालेंगे सबसे पहले हमारा नमक
एज पर द टेस्ट। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हमारा हींग पाउडर, नेक्स्ट पिंच ऑफ अजवाइन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, दैट्स इट। इन सबको हम खूब अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। हमने बनाई है टिक्की, इस तरीके की हम चार ले सकते हैं। मेरा बैटर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हम सबके लिए बना रहे हैं। सो हाथों पे मैंने लगाया घी थोड़ा सा, हम बना रहे हैं टिक्की जी। हमारी टिक्की जो है वो बन चुकी है एंड तवा भी हमारा गर्म हो रहा है। थोड़े से ड्रॉप्स मैंने देसी घी के लगाए हैं यहाँ पर एंड ये रही हमारी टिक्की। ओके, हमारी टिक्की बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको कट करते हैं जी बढ़िया से। ओके, सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, इसके साथ आप मिल्क टी एंड कॉफ़ी भी ले सकते हैं। प्लस ये हमस है एंड ये होममेड हमस आप यूज़ कर सकते हो, होममेड सालसा आप टिक्कीज़ के साथ ले सकते हो और ग्रीन मिंट चटनी, सदाबहार चटनी भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अगर आप देखो आपके पास नॉन स्टिक तवा अच्छा होना चाहिए एंड यस दिस रेडी। वेलकम बैक जी। सो ये वाली जो टिक्कीज़ तो हम लेंगे, अगर इसको लेने का ऑप्शन का मन नहीं है, यहाँ पे मेरे चैनल पे बतेरी मैंने टिक्कीज़ की रेसिपीज डाल रखी है, आप कोई सी भी पिक कीजिए, हैव इट 3 से 4 विद मिल्क टी एंड कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड उसमें किसी भी टाइप का चीनी मत डालिएगा क्योंकि चीनी और शुगर की क्रेविंग खत्म करने के लिए हमारे पास मिड ब्रेकफास्ट का लड्डू है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट में हम बड़ा सा रीजनेबल सस्ता अपना बजट वाला लड्डू बनाएंगे। हमारा बेसन एंड कोकोनट एंड जागरी का लड्डू बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत यमी है एंड ट्रस्ट मी शांति मिल जाएगी। और इस चीज़ को स्किप मत करना क्योंकि अगर आपने मिड ब्रेकफास्ट स्किप करा, लंच में बहुत हैवी खा जाओगे और शाम तक बलून की तरह टमी और फूल जाएगा। सो इसको स्किप नहीं करने का। ये लड्डू बनने कैसे हैं चलते किचन में। मिड ब्रेकफास्ट के लिए हम बना रहे हैं बेसन एंड कोकोनट लड्डू। ये रहा मेरे पास कढ़ाई, इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा 2 चम्मच जितना घी। घी हमारा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा बेसन 1 कटोरी जितना बेसन। खूब अच्छे से हम इसको पकाएंगे। इसको खूब अच्छे से हमने पका लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा कोकोनट। सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें कोकोनट को पकाना है। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा जैगरी का पाउडर। खूब अच्छे से इसको भी हम मिक्स करेंगे एंड गैस को अब हम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे ताकि हमारे लड्डू जो हैं वो बन सकें। ओके, ये रहे हमारे लड्डू, ये बिल्कुल रेडी हैं एंड 1 डेली इन मिड ब्रेकफास्ट। वेलकम बैक। अब बात करते हैं लंच की। लंच का टाइमिंग ना स्पेसिफिक फिक्स करते हैं 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। अब 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे अगर आप लंच करोगे सवेरे का खाया हुआ, ऑफकोर्स ऐसे में तो पूरा गुब्बारा बन गया ना। सो हमें वो एक्टिविटी नहीं करनी है। लंच हम करेंगे 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। लंच के अंदर क्या क्या लेना है, मैंने रिसेंटली खिचड़ीज डाली थी, हाई प्रोटीन खिचड़ीज की रेसिपीज, आप इनमें से कोई भी खिचड़ी पिक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है टाटा बाय बाय। इसके अलावा हम मूंग दाल का खिचड़ी ले सकते हैं, हम ओट्स का खिचड़ी ले सकते हैं, हम ओट्स एंड चिकन खिचड़ी भी ले सकते हैं एंड सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर वेज किनवा का सैलड भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपके कोई सी भी रेसिपीज आप पिक करो इनमें से खिचड़ी इसकी और आप वो लेंगे। अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। इवनिंग टी हम लेंगे 4 to 5:30 के बीच में, इससे ज़्यादा डिले कृपया करके मत करना। 7 बजे ले रहे हो, 8 बजे ले रहे हो, मत लेना। पॉइंट इज इवनिंग टी में हम ऐसा क्या लेंगे जिसकी हेल्प से हमारा टमी शांत हो, टमी ठीक हो और जो हमारी स्वेलिंग है वो बाय बाय टाटा हो और एक्सेस ऑफ वाटर हमारा निकले।
सो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज का मैंने एक डिटॉक्स टी बनाया था रिसेंटली, ये हम लेंगे। इसके साथ आप कोई भी एक फ्रूट कैरी कर सकते हो, एनी फ्रूट, कोई सा भी आप एक फ्रूट इसके साथ ले सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट हो। इस टाइम मेरे को चीकू और गुआवा बहुत अच्छे दिख रहे हैं मार्केट में, गुआवा के सीड्स निकाल के आप लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिनर की, डिनर में हम क्या लेंगे। वेराइटीज़ ऑफ सूप्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है, चिकन सूप भी आप ले सकते हैं, एग सैलेड आप ले सकते हैं, पनीर का सैलेड भी ले सकते हैं, एंड यहाँ पे सूप्स लेंगे। सूप की जो रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे जितनी भी है, मैं सबका लिंक डाल दूंगी, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से जो भी ग्रॉसरी आपको लोकली मिलती है उस हिसाब से हम सूप लेंगे। मेक श्योर डिनर में आप सॉल्ट को अवॉइड करेंगे। या एंड अनदर पार्ट, मान लो इनमें से कुछ भी लेने का मन नहीं है, नहीं पीना जी सूप, ना मूड नहीं है, मूड ख़राब है, इंसान है, हमारे साथ गड़बड़ी हो जाती है, मेरे साथ तो रोज़ होती है यार, बट ऐसी सिचुएशन में हम ले सकते हैं शीरा, बेसन का शीरा ले सकते हैं, सूजी का शीरा ले सकते हैं, ओट्स एंड कोकोनट का शीरा भी ले सकते हैं, एंड ये शीरे आप बहुत यमी है एंड बहुत अच्छी नींद भी देते हैं। बात करते हैं नाइट ड्रिंक की, नाइट ड्रिंक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वेट लॉस जर्नी का, नींद अच्छा देगा एंड उसके साथ साथ सुबह उठ के आपका टमी भी फ्लश ऑफ करेगा। नाइट ड्रिंक में हम क्या ले सकते हैं, नाइट ड्रिंक में हम लेंगे एप्पल साइडर विनेगर का शॉट। कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। नाइट ड्रिंक के लिए ये रहा आधे कप गर्म पानी और इसके अंदर हम डालेंगे हमारा एक चम्मच जितना एप्पल साइडर विनेगर, जस्ट वन स्पून, एंड दैट्स इट। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है और आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा महंगा है, देन यूज़ एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस भी नहीं है, देन आप पिंच ऑफ जीरा दो कप पानी में उबालेंगे, जब तक एक कप हो जाए छान के उसे पियेंगे। वेलकम बैक जी। सो इसके साथ साथ नेक्स्ट कुछ चीज़ें जिसकी हेल्प से आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हो सकता है, टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे हम, जब टाइट कपड़े पहनेंगे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाता है एंड उसके बाद हमारे बॉडी जो है वो स्वेलिंग बहुत हो जाती है। सो जितना हो लूज कपड़े पहनेंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे बॉडी को, मालिश करा लो एक से दो बार वीक के अंदर, अगर आप ये डाइट कर रहे हो या किसी भी टाइप का डाइट करते हो मालिश ज़रूर कराना वीक में एक से दो बार, नहीं तो खुद से करने की कोशिश करो। एंड सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों से बातें करो, किसी से भी बात करो, अपने दिल की चीज़ पूरी बोल दो, जो आपके मन में आप बोल दो, ताकि आपका दिमाग में ओवर थिंकिंग की दुकान ना बने। एंड अनदर पार्ट, पानी 3.5 से 4 लीटर सिप सिप करके पूरे दिन पियेंगे, 6 बजे के बाद सिर्फ उतना पानी पियेंगे जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी की ज़रूरत है, जितनी प्यास है, प्यास बुझाने के लिए। थोक के 6 बजे तक आपने पानी पिया नहीं है, 6 बजे के बाद 2.5 लीटर 3 लीटर पी रहे हो जी, सुबह उठ के फिर से गुब्बारा बनोगे। सो पानी का भी एक मैनेजमेंट होता है, वाटर मैनेजमेंट, उसको भी हमने सीखना है, करना है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, मैंने अच्छी ज्ञान भरी बातें दी आज आप लोगों को। सो या दैट्स इट, आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 14th February को मैं नीलम जी का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँगी, मैं दिल से चाहती हूँ आप लोग उनको सुनो, मैं दिल से चाहती हूँ आप लोग उनकी बातें सुनो, सच में बहुत अच्छा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है उनका। सो या दैट्स इट, आई सी यू सून, टेक केयर जी, बाय बाय।